आज हम बात करेंगे महाकवि कालिदास के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। कालिदास का जन्म किस वर्ष हुआ है यह ज्ञात नहीं है। विद्वानों में इसे लेकर बहुत विवाद है। उनके जन्म स्थान के बारे में भी सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। मेघदूत ग्रंथ में कालिदास ने उज्जैन का वर्णन विशेष रूप से किया है, इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था। कुछ का मानना है कि कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा गांव में हुआ था। उन्होंने मेघदूत, कुमार संभवम और रघुवंश जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। किंवदंतियों के अनुसार कालिदास देखने में सुंदर, हृष्टपुष्ट और आकर्षक थे। वे राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। विद्योत्तमा से विवाह कालिदास के जीवन की प्रमुख घटना थी। ऐसा कहा जाता है कि वह शुरू में अनपढ़ और मूर्ख थे। विद्योत्तमा को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह एक राजकुमारी थी। उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो पुरुष उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उससे विवाह करेगी। बहुत से विद्वान विद्योत्तमा से विवाह करने के लिए आए, परंतु पराजित होकर चले गए। सभी विद्वान मन ही मन विद्योत्तमा से प्रतिशोध लेने की सोचने लगे। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। एक दिन उन्हें एक पेड़ पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह जिस शाखा पर बैठा था उसी को काट रहा था। विद्वान समझ गए कि यह व्यक्ति बहुत ही मूर्ख है। उसी समय उन्होंने उसका चुनाव विद्योत्तमा को पराजित करने के लिए कर लिया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालिदास थे। कालिदास का शास्त्रार्थ विद्योत्तमा से कराया गया, जो मौन होकर ही हुआ। शास्त्रार्थ के दौरान विद्योत्तमा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई, जिसका अर्थ था कि ब्रह्मा एक है, परंतु कालिदास ने समझा कि वह कह रही है कि उनकी एक आंख फोड़ देगी। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने अपनी दो उंगली खड़ी कर दी। कालिदास का अर्थ था कि यदि वह उनकी एक आंख फोड़ेगी तो वह उसकी दोनों आंखें फोड़ देंगे। परंतु विद्योत्तमा समझी कि सृष्टि में ब्रह्म और जीव दोनों हैं, इसलिए वह संतुष्ट हो गई। फिर उसने अपनी पांच उंगलियां खड़ी की, जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है। कालिदास समझे कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो उन्होंने अपनी पांचों उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना दी और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं तुम्हें घुसा मारूंगा। वह समझी कि पांचों तत्व तो अलग अलग है, परंतु मन तो एक ही है और मन सभी तत्वों को संचालित करता है। इसलिए विद्योत्तमा को यह उत्तर सही लगा और इस तरह धीरे धीरे कालिदास ने उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। कालिदास का विवाह विद्योत्तमा से हो गया। उसे जल्द ही सच्चाई का पता चला कि कालिदास अनपढ़ और मूर्ख है। उसने कालिदास को घर से निकाला और कहा कि जब तक पूर्ण ज्ञान और प्रसिद्ध न पा लेना, घर वापस नहीं आना। यह कालिदास के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। उनके अहम को ठेस पहुंची और उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। कालिदास ने काली देवी की आराधना की और अध्ययन करके वैज्ञानिक और धनवान बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खड़काकर कहा, कपाटम उद्घाटे सुंदरी, दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्तमा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, कोई विद्वान लगता है। वे अपनी पत्नी को अपना गुरु मानते थे। कालिदास ने कुल मिलाकर 40 ग्रंथ लिखे हैं, जो उन्हें एक महान कवि और साहित्यकार साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। नाटक मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्यवश्यम, महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभवम, खंडकाव्य मेघदूतम,
ऋतु संहार। तो दोस्तों, आज हमने महाकवि कालिदास के बारे में जाना। ऐसी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।